हे गाइस, मैं हूं मेघा। आप देख रहे हैं मेघा टिप्स एंड न्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कल था नॉमिनेशन टास्क, बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट रहे हैं इस सीजन्स के नॉमिनेशंस, क्योंकि डबल इविक्शन हुआ है। लास्ट टाइम भी डबल इविक्शन, और इस बार भी बिग बॉस ने अनाउंस किया है कि डबल इविक्शन होगा। तो टास्क खेलना या टास्क जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कौर दलजीत के जाने के बाद कि कहीं ना कहीं बिग बॉस मराठी हो या बिग बॉस हिंदी हो, कलर्स के फेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा कुछ पावर देते हैं। या वो MG जो होता है, मिनिमम गारंटी जो होती है कलर्स फेस को रहती होगी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि तो जल्दी जाएंगे नहीं। लास्ट ईयर भी हमने दीपिका को देखा है, दीपिका का शुरुआत के कुछ दिनों में बिल्कुल कुछ कंटेंट नहीं था, लास्ट तक कंटेंट वैसे नहीं था वो बिग बॉस 13 में ही, लेकिन फिर भी दीपिका को बचाया गया। यहाँ भी हमने देखा शिव को, कितना शिव अच्छा खेला ही था, सबसे अच्छा खेला था, लेकिन शिव के फेवर में ही था क्योंकि वो रूडीज से आया हुआ था। रूडीज या उनके चैनल MTV और कलर्स टीवी वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, कहीं ना कहीं पारस छाबरा हो या रश्मि और सिद्धार्थ, वो तो ये तीनों तो फिनाले तक जाएंगे ही जाएंगे, कंफर्म जाएंगे। और रश्मि को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो कि वो इतना इतना रो रही है, वो तो नहीं जाएगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कुछ ऐसा है चैनल में कि वो कलर्स के फेस को इतनी जल्दी निकालते नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कंगना और दलजीत को निकालने के बाद ऐसा ही लग रहा है। कल का नॉमिनेशन टास्क हुआ जो पैसे का टास्क था, बैंक से पैसे चोरी करने थे। तो टीम ए और टीम बी थी, उसमें देवलीना की टीम हार गई और आरती उनकी टीम जीत गई, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने आरती उनके टीम को ही सपोर्ट किया। आरती, सना और शेफाली थी, अबू जी ने भी उनको ही सपोर्ट किया, थोड़े से पैसे इनको दिए थे। सिद्धार्थ डे ने उनको ज़्यादा दिए थे, या सिद्धार्थ डे से कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पारस और आधे सिद्धार्थ डे के, बाकी सब ने पैसे उनको दिए थे। असीम ने उनको दिए, सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको दिए। असीम एक्चुअली देना चाहता था इस साइड, माहिरा के साइड, लेकिन असीम को अचानक से क्या हुआ, माहिरा ने पैसे खींचे, इसकी वजह से असीम पहले ही, वो वैसे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है सिद्धार्थ की बातों से। सिद्धार्थ एक्चुअली मास्टरमाइंड कहा जा सकता है उसको, बहुत अच्छे से जोड़ के रखता है ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है। अब्बू जी के लिए भी उसका स्टैंड देखा हमने, या अब्बू जी को भी कैसे इन्फ्लुएंस किया सिद्धार्थ और असीम ने, वो देखा हमने। और कहीं ना कहीं रश्मि नॉमिनेट होने बाद थोड़ा हिल गई है, 2 बार 3 बार रोना हुआ उसका। कल के टास्क में नॉमिनेट हुई है रश्मि देसाई, माहिरा शर्मा और 4 लड़के, सिद्धार्थ शुक्ला को छोड़ के 4 लड़के नॉमिनेट हुए हैं, उसमें है पारस छाबरा, असीम, अबू जी एंड सिद्धार्थ डे। खाली सिद्धार्थ शुक्ला नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी ब्लैक रिंग सेफ हुई थी। वो टास्क भी बहुत ही फनी सा टास्क था, वो लड़कियों को फिश डालने के लिए कहा था, लेकिन डालने बाद हर कोई उठा के डाल सकता था, फिर लड़कियों को डालने के लिए नहीं बोलना चाहिए था, खुद ही उठा के डालो, खुद उनमें ही कंपटीशन रखना चाहिए था ना, उन 4-5 में ही कंपटीशन रख देना चाहिए था, कौन किसके इसमें डालता है देख लो, लड़कियां डालेगी बाद में ये उठा के डालेंगे, और किसी में भी इतना स्पिरिट नहीं दिख रहा था कि बचना है ऐसे। और सिद्धार्थ शुक्ला खुद बच गया, लास्ट में रश्मि ने उसके यहाँ डाला, फिर भी सिद्धार्थ ही बच गया। इस तरह से सिद्धार्थ नॉमिनेशन से बाहर हो गए, यानी कि सेफ हो गए, और देवलीना, बाकी सब लोग ये नॉमिनेटेड है, तो इस बार माहिरा जा सकती है और अब्बू जी जा सकते हैं ऐसा लगता है। आज वैसी बात से सब शुरू हुआ, देवलीना ने सिद्धार्थ को सपोर्ट नहीं किया था वीकेंड के वार में, जो पावर टास्क था उसमें जो वायर कटवानी थी बॉम्ब की, वो दोनों बार रश्मि की कटवाई थी, तो वो जाके बोले कि मैंने क्वीन बनाने में हेल्प की, ऐसा किया वैसा किया, तो देवलीना रोती रोते एकदम झट से करंट लगता है वैसे उठ जाती है, और मैं इसको दिखाती हूँ, देवलीना में वैसे क्वालिटी है कि वो मुँह पे बोल देती है जो है मुँह पे। थोड़ा सा मुझे उसका रूप कल अच्छा नहीं लगा था, डंबल्स कौन लेके जाता है बैंक फोड़ने के लिए, लेकिन आज जो उसकी बातें हैं कुछ कुछ सही थी, पीठ पीछे कुछ 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 करने से अच्छा है कि मुंह पे बोल दो। वही मुझे रश्मि का कुछ समझ नहीं आता, वो सना तो छोड़ ही दो, और मुझे तो मेरे को तो ना ऐसा नहीं करना था, ऐसे नहीं थी मैं, और मिमिक्री करना एंटरटेनमेंट ऐसे जो कुछ बोलती है सना, इरिटेट होता है एक्चुअली, जितना वो वीकेंड के बार पे भोली भाली बनती है उतनी है नहीं। वैसे सुरभि की याद आई, लास्ट ईयर सुरभि भी वैसे ही करती थी सेम टू सेम, बहुत बार उसने ऐसे ही किया था, वीकडेज में कुछ अलग दिखाती थी और वीकेंड्स में
कुछ अलग ही दिखाती थी, उस टाइप का शहनाज का लगा मुझे। आज के दिन में देवलीना जाके सिद्धार्थ को बोलती है, तो सिद्धार्थ उसका जो हार्ट था वो उसने ब्रेक किया था, तो तुमने भी तो ऐसे किया था इसलिए मैंने किया, रश्मि मेरी फ्रेंड बनी है। और देवलीना की जगह मुझे वो सही लगी, क्योंकि रश्मि के बारे में उसने ज्यादा स्टैंड कभी लिया नहीं था। मुझे लगा था एक बार रश्मि का और एक बार सिद्धार्थ का करेगी, लेकिन ठीक है, वो मन से रश्मि का करना चाहती थी तो उसने किया। और सिद्धार्थ बोलता है, एक बार मैंने टेयर किया तो नेक्स्ट टाइम मैंने क्वीन के टाइम पे आपको हेल्प की थी, तो आपने एक बार रश्मि का वायर कट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम मुझे बचाना चाहिए था, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप ऐसे हो, आप जो दिखते हो वैसे नहीं हो। इस बात पे देवलीना रोती है, कुछ कुछ होता है उनका। बाद में रोटी रोटी पुराण तो बिग बॉस का खत्म होता ही नहीं है, बहुत ही बड़ा चला वो रोटी पुराण। एक एक रोटी बनाई थी, मुझे बिग बॉस का ये कुछ समझ नहीं आया कि एक ही बंदा रोटी बनाएगा ब्रेकफास्ट की और लंच की, उसके बाद डिनर की कोई और बनाएगा, ये तो बहुत मुश्किल बात है। ब्रेकफास्ट में हर कोई रोटी खाएगा और वो भी दो दो तीन तीन रोटी खाएगा, जितनी चाहिए उतनी, और एक बंदा बनाएगा, बहुत मुश्किल है। एक्चुअली सब काम से मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कि रश्मि की साइड ले रही हूँ, लेकिन बाथरूम हो या घर हो, घर साफ करने में कोई ना कोई अपना सामान उठा के रख सकता है, खाली कचरा साफ करो, बाथरूम का ही एक ही जगह है, एक या दो बाथरूम है, झट से ये हो सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड के हिसाब से हर एक को पराठा बनाना है, डिमांड के हिसाब से पतला छोटा पतला छोटा, कोई बोलता है कच्चा दिया, कोई बोलता है ज्यादा जला है, कोई बोलता है, ये थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली। और ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ अजीब ही लगता है, ब्रेकफास्ट में सबको क्यों पराठा ही चाहिए, कुछ पोहा उपमा जैसी चीजें कुछ भी बना के खा सकते हैं। और दोपहर में रोटी बने तो सही बात है, वो तीन तीन भी रोटी दोपहर में खाएंगे तो ठीक है, लेकिन सुबह भी दो रोटियां और बाद में तीन तीन रोटियां या 2½ भी तो बहुत मुश्किल है। तो असीम की ये बात मुझे कुछ गलत लगी, असीम एक्चुअली उस ग्रुप में, सिद्धार्थ शुक्ला के ग्रुप में मुझे एक्चुअली असीम ही पसंद है थोड़ा सा, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला पीछे से खेलता है, सामने कुछ रिएक्ट नहीं होता, हर एक को पीछे से समझाता है, पीछे से बोलता है ये कमी नहीं है। और रश्मि का भी वैसा ही चल रहा है उसके बारे में, और सिद्धार्थ का भी उसके बारे में वैसा ही चल रहा है, लेकिन असीम ने आज तक इतना हार्श कभी बोला नहीं था, और आज उसने बहुत कुछ बोला कि आप जो रोटी देते हो हम पे एहसान करते हो क्या, निगेटिविटी फैलाते हो। खाना कैसे निगेटिविटी फैला सकता है, आपका माइंड ही निगेटिविटी फैलाएगा। जिसने खाना दिया है अगर आपको निगेटिव बोल रहा है, उसका हाथ का खाओ मत आप, खाने के बाद आप ऐसे नहीं बोल सकते कैसे एहसान जताने जैसा दिया था, निगेटिविटी आ गई मेरे मन में आपके खाने से, ऐसा वैसा बोल दिया, मुझे वो गलत लगा। फिर रश्मि भी बहुत कुछ सुनती है, ये तो सिद्धार्थ की बातें, उसका मतलब था कि सिद्धार्थ की बातें सुन के ये बोल रहा है, एक्चुअली वैसे ही था, सिद्धार्थ ही भड़काता है सबको रश्मि के बारे में, और सब लोग बोलते हैं और आप तो मेरे यहाँ हेल्प के लिए आती हो खाली, ऐसे वैसे। असीम दोनों का बहुत झगड़ा हो गया, फिर बाद में रश्मि ने बहुत गलत भी चीज़ें बोली, आपके अब्बा की नौकर नहीं हूँ, अब्बा को लेके जाने की जरूरत नहीं थी, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ बोल सकती थी, लेकिन उसने ऐसे बोल दिया, फिर और गुस्सा हुआ, उसमें सना टपक पड़ी, उसमें माहिरा टपक पड़ी, असीम बहुत ज़्यादा चिढ़ गया माहिरा से, भाई भाई बोलो मत मुझे, भाई भाई बोल के पास मत आओ। पहले तो बहुत खुश था वो, कल भी माहिरा की साइड लेने वाला था, सिद्धार्थ से इन्फ्लुएंस होके उसने कहीं ना कहीं सना की वगैरह साइड ले ली, क्योंकि वो शेफाली को निकालना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ की बात सुन के उसने माहिरा को हेल्प नहीं की, फिर भी आज वो माहिरा पे इतना चिढ़ा था, इतना चिढ़ा था। पारस भी बीच बीच में कुछ बोल रहा था, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला है कि जो आग लगा के पीछे बैठे थे। ऐसे वैसे हुआ इनका, बहुत जोर जोर से झगड़ा हुआ, बहुत रोई रश्मि। मुझे इस बात का बुरा लगा कि रश्मि ने जो बनाया है वो बोल के दिखाना नहीं चाहिए बार बार बार, और लोगों को भी समझ लेनी चाहिए चीजें, झाड़ू करना या बाथरूम धोना ये सब काम है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम में हो सकते हैं, हर एक को हर एक के हिसाब से रोटी देना, दो दो तीन तीन रोटी दो टाइम्स देना कंटिन्यू, 9 बजे देना, इमीडिएट 12-1 बजे देना, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बिग बॉस ने ऐसे अलॉट किया है कि एक ही बंदा बनाएगा, उसको एक ही हेल्प करेगा, और हर बार कैसे होता था 13-15 लोग है तो सब लोग आके हेल्प करते थे, अगर बाथरूम वाले हैं तो भी हेल्प करते थे, बहुत लोग, किचन टीम बड़ी होती थी, 4-5 लोगों की किचन टीम होती थी, यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, और इसलिए इतना 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 बवाल मचा है खाने को लेकर। और फिर सब में झगड़ा हो जाता है खाने से लेकर, रश्मि बहुत सारा रोती है, अब्बू जी को बोलती है असीम को अंडे वाले को लेके जाओ, आप ही जाओ, अगर मैं जाऊंगी तो देखो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हुई है रश्मि, दलजीत के जाने के बाद उसको लग रहा है कि मेरा कनेक्शन किसी के साथ नहीं, दलजीत और कोई ना गई है, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं बनाता लड़कों के साथ, ये ग्रुप वाला या इंडिविजुअल गेम नहीं है बिग बॉस, ये स्प्लिट्सविला है।
अगर लड़कों के साथ तुम बैठोगे, सोओगे बेड में, कुछ कुछ हंसी मजाक करोगे तो ही आप टिकोगे, ऐसे ही सलमान ने बोल दिया है डायरेक्टली कोयना को भी। ये उस टाइप का गेम नहीं है कोयना। मतलब कि रश्मि को इस बात का डर लग रहा है कि मेरी साइड लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, माहिरा और पारस का कनेक्शन बना हुआ है, कहीं ना कहीं मैं जाऊंगी क्या? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता रश्मि जाएगी, माहिरा ही जा सकती है, देखेंगे अभी वीकेंड पे क्या होता है। उसके बाद एक टास्क आ गया, वो टास्क था टिकट टू फिनाले टास्क। हर बार जो लॉन्ड्री टास्क आता है या जो कपड़ों का टास्क आता है, कपड़े सिलने हैं क्या क्या करना है, वैसे वाला टास्क था वो। इस बार टेडी वेयर का था, कॉटन या बहुत सारे टेडी का जो ऊपर का कवर था आया था, और हर एक को करना था। दो टीम बनाई गई थी, कल वाली ही टीम थी एक्चुअली। इस साइड थे देबोलीना, माहिरा और रश्मि, इन दोनों के साथ थे सिद्धार्थ डे, इन तीनों के साथ थे सिद्धार्थ डे एंड पारस। उधर थे शेफाली, आरती एंड शहनाज सना, और उनके साथ थे सिद्धार्थ शुक्ला एंड असीम। और अबूजी को बनाया गया था संचालक, क्योंकि अबूजी तो जाने वाले हैं, संचालक तो बनाएंगे उसके उसको, क्योंकि एक क्वीन टास्क था, क्वीन के लिए, नेक्स्ट वीक के क्वीन के लिए टास्क था, तो पहले ही चले जाते हैं। उस टास्क में था कि एक लिविंग एरिया में, सॉरी गार्डन एरिया में, जो वार्डरोब जैसा आएगा उसमें कॉटन और सब वो सामान भरा पड़ेगा। इस टीम से दो और उस टीम से दो बजल बजने के बाद जा सकते हैं। और उस टीम से गए सिद्धार्थ शुक्ला और आरती, शायद हाँ आरती ही थी, सिद्धार्थ शुक्ला या आरती, हाँ दोनों गए। और इस टीम से सिद्धार्थ डे एंड देवोलीना गए। एक्चुअली पारस और देवोलीना को जाना चाहिए था, और इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया था, खाली क्वालिटी के बारे में प्लान किया था पारस की टीम ने, और शुक्लास की टीम ने एक्चुअली वहां से सामान ज्यादा लेंगे ऐसे वैसे प्लान किया था, फेयर खेलेंगे। पारस का भी प्लान ठीक था कि उन्होंने पहले दो सिलेक्ट किए तो हम एक कर देंगे, क्योंकि वैसे ही हम जीत सकते हैं, बाय हुक और क्रूक हमें जीतना ही है। तो यहाँ लाते समय सिद्धार्थ शुक्ला ज्यादा लाए, किसी को लग गया, सिद्धार्थ को यहाँ लगा, देबोलीना को यहाँ लगा, देबोलीना को यहाँ लगा, उसमें हल्दी वगैरह लगाई थी उसने, बहुत झगड़ा हुआ उन लोगों का। आसिम भी बहुत बहुत आज इरिटेट कर रहा था, आसिम भी बहुत चढ़ रहा था, और देबोलीना आज किसी को नहीं छोड़ रही थी, तो ऐसे नहीं करेगा, और सबको ब्लैकमेल भी कर रही थी कहीं ना कहीं पारस को, तू सना के मुंह लगेगा तो मैं तुझे ब्लैक रिंग दूंगी। और दोनों ने टास्क की धज्जियां उड़ा दी, पारस ने क्वालिटी चेक में ऐसे 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 करके फेंक दिया। एक्चुअली देख लेना चाहिए था, अगर टास्क का सीरियसनेस उनको नहीं है तो हमें भी नहीं होगा, अच्छे से देखना चाहिए था पारस को। लेकिन पारस ने देखने का भी कष्ट नहीं लिया, इतना वो स्प्लिट्स विला में माइंड में लेके आया है कि ये स्टार्ट है बिग बॉस का, स्टार्टिंग में तो टास्क थोड़ा अच्छे से करो, नहीं उसने ऐसे 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 फेंक दिए। तो सिद्धार्थ शुक्ला भी वैसे ही करता है सेम टू सेम। इन बीच उनका बहुत झगड़ा होता है, शेफाली का, सना का, देबोलीना का, रश्मि का, बहुत झगड़ा। हमारी चोरी का सामान लिया, सना की कुछ भी बातें मुझे पसंद नहीं है, ना तो उसका कुछ अंदाजा पसंद है ना बातें पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे। लेकिन उसमें भी वो कभी कभी अच्छा करती है टास्क, लेकिन कल जो चीज उसने बोली वो बहुत ही गलत थी। कल क्या बोला उसने, अरे असीम ऐसे नहीं होना चाहिए लड़कियों जैसा, लड़कियां कैसे इमोशनल होती है, और किसी ने बोला तो उनके जाल चंगुल में फंस जाती है और आ करने लगती है, लड़कों को स्ट्रांग होना चाहिए, पारस देखो कैसे स्ट्रांगली साइड लेता है, तुम्हें भी लेनी चाहिए, ऐसा वैसा बोलती है वो। किसने बोला कि लड़कियां इमोशनल होती है और लड़के नहीं होते? क्यों हमारे घर में, हमारे घर वाले लड़के जेंट्स लोगों को हमने देखा नहीं है इमोशनल? खुद ही आप लड़कियां होके ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे, खुद ही खुद का वीक पॉइंट ऐसे बता रहे हो, मतलब कि दुनिया में कोई इमोशनल लड़के ही नहीं है, कुछ अलग ही है उसका, हम ही ज्यादा इमोशनल, यानी कि बातों में आने वाली खाली लड़कियां होती है, किसी ने प्यार से बोला तो सब कुछ भूल जाती है, सना होगी, सना का ऐसा ही है, पारस के खाने करती है, थोड़ा प्यार से बोला तो इधर सिद्धार्थ के साथ हाथ पकड़ के क्या सोती है, वो खुद के जैसे ही सबको समझ। आज भी उसने सेम चीज पारस को बोली, लड़कियों की तरह मत करे, तो वही है, वही है, तो मतलब लड़की है तू, या बैंगल्स पहन जा, ऐसे कर जा, कुछ ऐसे ही बातें कर रही थी वो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, खुद की बेइज्जती खुद कर रही थी लड़कियां वो, और बाकी की दोनों उनको सपोर्ट कर रही थी, पारस देखो लड़कियों की तरह करता है, मतलब क्या लड़कियों की तरह करता है, मतलब आप लड़कों के जैसा बिहेव करो डैशिंग तो अच्छा, लेकिन लड़कियों की तरह उसने बोला तो खुद ही उसका इंसल्ट कर रहे हो, ऐसे कर रहा है लड़की हो जा, तू लड़की है क्या, मतलब लड़की होना बुरी बात है क्या, है क्यों कंपेयर क्यों करना है लड़कियों से, तू जो कर रहा है अच्छा नहीं दिख रहा है बोलो, क्या ही कुछ भी बोलो, पारस इरिटेट कर रहा है ऐसे बोलो, झगड़ते तुम क्या क्या मिमिक्री करके, क्या क्या करके झगड़ती है सना, फिर ये हमेशा अभिजीत बिचुकले जैसी लड़कियों ने ऐसा ही होना चाहिए, लड़कों ने ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी बातें करेंगे तो
मुश्किल है सब। और सिद्धार्थ शुक्ला की ये बात मुझे बिल्कुल भी आज अच्छी नहीं लगी। वो थी, अरे वो एक ही रोटी बनाती है, एक ही रोटी दी, क्यों उसका काम है करना, क्यों करना है। और कल जब रश्मि उसको बोल रही थी कि तुम्हारा काम है चॉपिंग का, टोमेटो वॉश करके चॉपिंग करो और कुछ मसाला वसाला करके दे दो, क्यों तुम नहीं कर सकती, क्यों तुमने मसाला मत डालो ना, क्यों डालना है। यही बंदा है वो जो बेसिक चीजें सही है, जो इंडियंस है उनको बेसिक चीजें। फिर कल कहाँ गई थी बेसिक चीजें, मसाला डालना तो बेसिक चीज है, टोमेटो डालना तो बेसिक चीज है, मत डालो ना आज, मत डालो ना आज। फिर रोटी आपको बेसिक चीज है, 3 टाइम चाहिए, आप पे कुछ काम आए तो बेसिक चीज नहीं है। असीम भी कल बोल रहा था, मैंने कल बर्तन धोए बहुत मुश्किल है, आज मैं बाथरूम करूंगा, नहीं। फिर रश्मि से एक्सपेक्ट करते हो आप कि अच्छे अच्छे से रोटियां डेली आपको खिलाओ, आपकी ड्यूटी है, ऐसा है वैसा है, और आपको अगले दिन बर्तन नहीं चाहिए। कल किए मैंने आज नहीं चाहिए, कल किए मैंने आज नहीं चाहिए, मुझे बाथरूम। खुद को जो अच्छा लगता है वो आपका साइड व्यू आप ढूंढ लेते हो, फिर दूसरों को तकलीफ होती है तो आपको समझनी चाहिए आपकी तकलीफ, आप क्यों इनको बता देते हो ना, तो दूसरों की भी समझनी चाहिए कहीं ना कहीं। सिद्धार्थ जैसे बोल रहा था पतली ही रोटी चाहिए, कच्ची बनाती है, कमीनी है, ऐसे है, तो मुझे कल वो समझ नहीं आया कि वो चॉपिंग के लिए आज मत डालो ना, क्या होता है सब्जी में नहीं डाला तो क्या होता है, चलेगा आज, मतलब फिर चपाती मत खाओ ना, रोटी मत खाओ ना डेली, एक एक दिन पूरा राइस खाओगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, बेसिक चीजें खुद पे आएगा तो बेसिक सब भूल जाते हैं लोग। ये मुझे बात कुछ हजम नहीं हुई, रश्मि थोड़ा गुस्से में क्या बोलती है समझ में भी नहीं आता, और पीठ पीछे ही बोलती है, सब चीजें बोल सकती थी वो, लेकिन कुछ अलग ही बोला उसने। और ऐसे वैसे ये चीजें हुई टास्क की, और टास्क को तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, कल क्या होने वाला है कल पता चलेगा, इनका ही झगड़ा चलने ही वाला है, क्योंकि आज देवोलीना भी बहुत चिढ़ी हुई थी सना से, और देवोलीना को पता चला कि आरती ने बोला था सिद्धार्थ डे को देवोलीना तो आपकी दुश्मन है ना, फिर क्यों, तब देवोलीना को याद आया मैंने कोयना को बुरा बोला उसकी वजह से, कोयना मैंने साइड ली थी इसकी, ये किया वो किया, एक्चुअली कोयना ने खाली बोला था भीख मत मांग, भीख मांगते मत फिरो नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन के बचने के लिए आप भी लड़कों से जाके मिलती हो, आरती ने बोला था, तो भीख मांगा है आपने, ये देवोलीना सॉरी कोयना ने बोला था, भिखारियों की तरह वगैरह वगैरह ये सब जोड़ा रश्मि और देवोलीना ने, देवोलीना ने नहीं, रश्मि ने नहीं, देवोलीना ने जोड़ा और रश्मि ने उसको सपोर्ट किया। हम किसी को भी बोल सकते हैं क्या भीख मांग रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भिखारियों का इंसल्ट कर रहे हैं हम लोग, उसने गुस्से में बोला था और आरती ने भी गुस्से में बोला था, दोनों की चीजें गलत थी, कोयना की भी गलत थी और आरती की भी गलत थी, लेकिन देवोलीना को आज लगा कहीं ना कहीं देवो को कि मैंने गलत किया इसकी साइड लेके, और देखो अब मैं दिखाऊंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, देवलीना बोलती है, रश्मि उसे समझाती है, और अब्बू जी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए थे रश्मि के रोने से, लेकिन सिद्धार्थ और असीम बहुत समझाते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकती, हमारा ग्रुप है, हम एक साथ रहेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अभी देखते हैं ये ग्रुप और कनेक्शन कहाँ तक चलता है इस वीकेंड, कौन जाता है, कौन है कल का टास्क जीतता है क्वीन का, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, टेक केयर, बाय।